दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई की टीम ने चैंपियन बनने के लिए बढ़ाया एक दमदार कदम। टीम के अंदर नीलामी के अंदर शामिल किए गए कई भूखे खूंखार शेर, जिसके बाद चेन्नई की टीम बन गई है आईपीएल की सबसे मजबूत टीम। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी समाप्त हो चुकी है, जहाँ पर चेन्नई की टीम ने अपने सभी 25 खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है। वहीं एक ऐसे अनसोल खिलाड़ी को चेन्नई ने अपनी टीम में जगह दे दी है, आईपीएल की सबसे खूंखार टीमों से बना लिया है। तो आखिरकार कौन है वो युवा खिलाड़ी जो पलक झपकते ही चेन्नई की टीम को बनाएगा चैंपियन? कैसी नजर आ रही है आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम, वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, जहां पर आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी समाप्त हो गई है। इस दौरान कई टीमें सबसे महंगे खिलाड़ियों को ले चुकी है, तो वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी कोई भी खरीदार नहीं मिला। इस बीच 5 बार की चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने नीलामी में सबसे पहले अपने 25 खिलाड़ियों की लिस्ट को पूरा कर लिया, जिसके बाद अब चेन्नई की टीम पूरी तरीके से बदल गई है। वहीं एक खबर हैरान कर देने वाली ये है कि जहां ऑप्शन में पृथ्वी शॉ अनसोल्ड हो गए थे, वहीं अब चेन्नई सुपर किंग्स ने पृथ्वी शॉ को 2 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है और हर किसी को चौंका दिया है। यानी कि पृथ्वी शॉ चेन्नई की तरफ से आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे। पृथ्वी शॉ के आने के बाद चेन्नई की पूरी प्लेइंग 11 बदल चुकी है और सबसे मजबूत टीम बन चुकी है, जिसकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार दिख रही है। दरअसल चेन्नई की टीम के अंदर सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरने वाले हैं, जिनको चेन्नई की टीम ने पहले रिटर्न खिलाड़ियों के तौर पर 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया था। ऐसे में अब ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से बेहतर बल्लेबाजी करने के साथ शानदार कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई की टीम के अंदर टेवोन कान्वे भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ऑप्शन के तौर पर चेन्नई के पास में ओपनिंग करने के लिए पृथ्वी शॉ भी मौजूद है। चेन्नई ही नहीं है, ऑप्शन के बाद 2 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब काफी ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के साथ चेन्नई को प्रभावित किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से इन्हें टीम के अंदर मौका दिया क्या है, जहां पर रचिन रविंद्र शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहां पर इन्हें 4 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा गया है। 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जो चेन्नई की टीम के लिए 12 करोड़ रुपए में रिटर्न हुए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर शानदार प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को शामिल किया गया है, जिन्हें चेन्नई की टीम ने कुछ करोड़ और 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में मौका दिया है। ऐसे में अब इनके ऊपर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से सभी को प्प्रभावित करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। इनके अलावा 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर के तौर पर शामिल कर लिया गया है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल कर लिया गया है, जो टीम के लिए 18 करोड़ रुपये में रिटेन हुए हैं। ऐसे में इससे चेन्नई को एक बार फिर से ज़बरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है। इतना ही नहीं, अब इनका साथ देने के लिए रविंद्र चंद्र अश्विन को टीम के अंदर मौका दे दिया गया है। रविंद्र चंद्र अश्विन को 9.75 करोड़ रुपये देकर चेन्नई की टीम ने वापस अपने घर पर बुलाया है। इसमें अश्विन के ऊपर एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सही गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा चेन्नई की टीम के अंदर 8 नंबर पर नूर अहमद को खेलने का मौका दिया गया है, जिनको चेन्नई की टीम ने 10 करोड़ रुपए देकर टीम में शामिल किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर अपनी प्राइस को डिफाइन करने का मौका है। इसके चलते चेन्नई की टीम और भी ज्यादा मजबूती दर्ज कर सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के पसंदीदा मतीशा पतिराना को भी मौका दिया गया है। वहीं इनका साथ निभाने के लिए खलील अहमद को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा गुर्जर पुनीत सिंह भी गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं, यानी कि चेन्नई की टीम इस वक्त सबसे मजबूत नजर आ रही है और ऋतुराज गायकवाड़ ने ये प्लेइंग 11 तैयार की है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स की इस प्लेइंग 11 में कोई और बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं? आपकी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टीम ऐसे 2 खिलाड़ी करेंगे ओपनिंग जो गेंदबाजों की उड़ाएंगे धज्जियां, वहीं गेंदबाजी क्रम देख फटी की फटी रह जाएंगे आपकी आंखें। तो आखिरकार किस खिलाड़ी के बलबूते अब मुंबई इंडियंस बनेगी आईपीएल 2025 की चैंपियन? कैसी नजर आ रही है मुंबई की नई टीम? मुंबई ने किन किन खिलाड़ियों को किया है शामिल? किस खिलाड़ियों के साथ उतरेगी मुंबई की टीम मैदान में? ये सब कुछ तो आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में सबसे मजबूत टीम कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आईपीएल ऑक्शन भी खत्म हो चुका है, सभी 10 टीमों ने अपने स्क्वाड को कंप्लीट कर लिया है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कई
खिलाड़ियों की टीमें बदल चुकी हैं, कई टीमों में नए नए खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में आप सभी की नज़र आईपीएल 2025 पर अभी से टिकी हुई है। वहीं एक से बढ़कर एक घंटा खिलाड़ी इस साल आईपीएल में अनसोल्ड भी हुए हैं, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने जमकर पैसे लूटे हैं। आईपीएल 2025 को शुरू होने में अभी लगभग 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन ऑक्शन खत्म होने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। चारों तरफ आईपीएल की ही चर्चा हो रही है। ऐसे में इस साल सभी टीमों ने अपने अपनी टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को शामिल किया है। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। वहीं सीजन में सबसे ज्यादा नजर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम पर लोगों की टिकी हुई है, क्योंकि आईपीएल इतिहास में बेंगलुरु की टीम ने अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प करने वाली बात यह है कि विराट कोहली दोबारा बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा मुंबई इंडियंस की हो रही है, जहां मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन से लेकर आकाश माधवाल जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर एक नई प्लेइंग 11 तैयार की है। ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसे देखकर और तो और टीम के भी होश उड़ गए हैं। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने अपने खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की मोटी रकम लुटा दी है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नीता अंबानी ने किन किन नए खिलाड़ियों पर पैसे लुटाकर अपनी टीम में उन्हें शामिल किया है, और अब कैसी नजर आ रही है मुंबई इंडियंस की नई टीम। आईपीएल 2025 में किन किन खिलाड़ियों के साथ मुंबई की टीम मैदान में उतरेगी। दोस्तों, मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करने रोहित शर्मा मैदान पर उतरने वाले हैं, जिनको मुंबई इंडियंस ने 16.30 करोड़ रुपए देकर रिटर्न किया था। रोहित का कमाल देखने के लिए पूरा मुंबई का फैन बेस और पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं रोहित के साथ बिलजेक पारी की शुरुआत करेंगे। बिलजेक को मुंबई इंडियंस ने 5.50 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया है। इन दोनों खिलाड़ियों की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरने वाली है और एक से बढ़कर एक गेंदबाजों की थच्चियां उड़ाने के लिए तैयार है। वहीं नंबर 3 पर सूर्यकुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 16.5 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। सूर्यकुमार यादव लंबे समय से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं और वो हर साल टीम के लिए भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, इसलिए एक बार फिर नीता अंबानी ने सूर्यकुमार यादव पर अधिक भरोसा टीम में जताते हुए उन्हें रखा है। नीता अंबानी ने नंबर 4 पर सबसे ज्यादा पसंदीदा प्लेयर तिलक वर्मा को लिया है। नीता अंबानी ने इन्हें 8 करोड़ रुपए देकर टीम में रिटर्न किया है। नंबर 5 पर नीता अंबानी ने ईशान किशन को टीम से बाहर करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के चेले रॉबिन मिंच को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने इन्हें 65 लाख रुपए में खरीदकर अपनी टीम में जगह दी है। इस खिलाड़ी पर आकाश अंबानी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और इसलिए अपनी टीम में उन्हें रखा गया है। नंबर 6 पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या खेलने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को भी 16.35 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में रिटर्न किया था। स्पिन डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस के पास न्यूजीलैंड के सबसे बेहतरीन स्पिनर खिलाड़ी मिशेल सेंटनर मौजूद है। ये अपनी फिरकी से बड़े बड़े खिलाड़ियों को चकमा देते हैं। इनका साथ देने के लिए मुंबई इंडियंस ने करण शर्मा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ रुपए देकर रिटर्न किया था। वहीं उनका साथ देने के लिए नीता अंबानी ने ट्रेंट बोल्ट को 12.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में रखा हुआ है। इन दोनों को खतरनाक गेंदबाजी के आगे बड़ी बड़ी टीम के बल्लेबाज घुटने टेक सकते हैं। वहीं पार्ट टाइम में दीपक चाहर भी अपनी जादुई फिरकी दिखा सकते हैं। इनको भी मुंबई इंडियंस ने 9.5 करोड़ रुपए देकर अपने साथ जोड़ लिया है। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम इस साल बेहद खतरनाक नजर आ रही है। टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम इस बार ट्रॉफी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम क्या इस साल आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई की टीम ने चैंपियन बनने के लिए बढ़ाया एक अग्रिम कदम। टीम के अंदर नीलामी में शामिल किए गए कई भूखे शेर, जिसके बाद चेन्नई की टीम बन गई आईपीएल की सबसे मजबूत टीम। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है, जहां पर कि चेन्नई की टीम ने अपने सभी 25 खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है। तो आखिरकार आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम में कौन से नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन है चेन्नई का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी समाप्त हो गई है। इस दौरान कई टीमें सबसे महंगे खिलाड़ियों को ले चुकी है, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों को भी कोई भी खरीदार नहीं मिला है। इस बीच 5 बार की चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने नीलामी में सबसे पहले अपने 25 खिलाड़ियों की लिस्ट को पूरा कर लिया, जिसके बाद अब चेन्नई की टीम पूरी तरीके से बदल गई है, जिसकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार दिख रही है। दरअसल
दरअसल चेन्नई की टीम के अंदर सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरने वाले हैं, जिनको चेन्नई की टीम ने पहले रिटर्न खिलाड़ियों के तौर पर 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। ऐसे में अब ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से बेहतर बल्लेबाजी करने के साथ शानदार कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई की टीम के अंदर डेवोन कानवे को शामिल किया गया है, जो पिछले साल में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे। ऐसे में अब इनको भी वापस टीम के अंदर नीलामी के जरिए जारी कर लिया गया है, जहां पर डेवोन कानवे को 6.25 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में वापस कर लिया गया है। और इसी के साथ चेन्नई की टीम के सलामी जोड़ी पहले की तरह अब मजबूत हो गई है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब काफी